आज दिनांक 27 फरवरी को रात्रि करीब 11:30 बजे धौलाना पुलिस द्वारा देहरा झाल पर चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक संदिग्ध अभियुक्त को रोकने पर वह रुका नहीं और निधावली नहर पटरी की तरफ भागने लगा और पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में अपना नाम सुबोध पुत्र राम गोपाल निवासी देहरा का बताया गया है, जिसके ऊपर कई मुकदमे चोरी लूट इत्यादि के पंजीकृत हैं। अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल रवाना किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।